नमस्कार मित्रों, इस विधि विधान चैनल में आपका स्वागत है। कुछ मित्रों ने, कुछ साधकों ने, शिष्यों ने मांग करी है कि गुरुजी कल सूर्य ग्रहण के अवधि काल में कुछ मंत्र या कुछ भी स्तोत्र वगैरह बताइए जिसको हम करें और लाभ लें उस समय का। वैसे तो ग्रहण इत्यादि जो है, काल रात्रि जो भी है, उनमें मंत्र जाप साधना सिद्धि प्राप्ति हेतु करते हैं। सो उसी विषय में, बाकी तो सूर्य ग्रहण के हिसाब से बहुत कुछ आप लोगों ने अभी तक सुन लिया होगा, बहुत सारी चैनल्स चल रही हैं, तो उसके हिसाब से आपको कुछ आउटलाइन बता देते हैं कि कल का सूर्य ग्रहण जो है 10:15 से शुरू होगा और विश्व में उसका समय है 9:15। किसी भी कहीं पर किसी देश में यह 9:15 से शुरू होगा और इसका सूतक काल जो रहेगा वह आज यानी 20 तारीख को 10:15 से शुरू होगा और ग्रहण का समाप्ति का समय है मोक्ष का वह कल 2 बजे है। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा, इसके बीच में आपको जो करना है वह साधना मंत्र का हम बता देते हैं कि सूर्य भगवान इस काल में, इस ग्रहण काल में कष्ट में रहेंगे, ऐसा हमारा धार्मिक मान्यता पुराणों वेदों में और अध्यात्म और ज्योतिष के अनुसार यह होता है कि जिस ग्रह पर जैसे चंद्र ग्रहण पड़ता तो चंद्रमा चंद्रदेव पर कष्ट का समय रहता है, इसी प्रकार कल सूर्य भगवान पर कष्ट का समय रहेगा। अतः सूर्य भगवान से संबंधित मंत्रों का आप अधिक से अधिक जाप करें और विशेष करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और एक विशेष मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। सुबह सूर्य ग्रहण के पहले आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर, गुड़ डालकर और कुछ कच्चा दूध डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है और इसके बाद आप जितना समय सूर्य ग्रहण का रहेगा 2 बजे तक, उसमें आप अधिक से अधिक ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह विशेष करके लाभकारी होगा और साधकों को बता दें आदित्य हृदय स्तोत्र। और यह सूर्य ग्रहण जो है वह मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र और मीन राशि पर विशेष प्रभाव डालने वाला रहेगा। इसमें इन लोगों को अपने बचाव के हिसाब से यह मंत्र जाप जरूर ही करना है मीन राशि वालों को, और भी जो भी राशियां हैं सबको यदि ये करेंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ओम घृणी सूर्याय नमः यह मंत्र बहुत ही विशेष है और आदित्य हृदय स्तोत्र। किसी को यदि नेत्र ज्योति, नेत्र का कष्ट है आंखों का, वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उनके नेत्रों में जो भी तकलीफ है, कष्ट है, नेत्र रोग है, वह इस आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से लाभ होगा उसमें, यह हम बता देते हैं आपको। इसके बाद विशेष बात और यह है कि इस ग्रहण काल में जो माता बहने बेटियां गर्भवती हैं उनको तो बाहर निकलना ही नहीं है और धारदार वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना, चाकू है, कैंची है, इससे अच्छा है आप घर के अंदर रहिएगा। कल 2 बजे तक ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्नान करें और भगवान इत्यादि को पट खोलकर आप उनको स्नान करवाएं, पूजा अर्चना करें और दान आदि करें, यह आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। यह कुछ हमने आपको बात बताई जो करना उचित रहेगा। और अब आपको एक और बहुत ही अद्भुत बात बता दें,
यदि आप किसी भी बीज मंत्र का जाप करते हैं ग्रहण काल में, संकल्प लेकर उस देवता का ध्यान करके, और जो भी चाहे देवी हो, देवता हो, दुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो, जिसको जो पसंद रहता है देवता, उसके हिसाब से बीज मंत्र का जाप करें। वैसे त्रिशक्ति काली, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके बीज मंत्र सबको मालूम है। क्लीम काली जी, ह्रीम श्रीम लक्ष्मी जी, एम मंत्र जो है सरस्वती का है, विशेष करके साधकों को लिए बहुत ही अच्छा और अद्भुत चमत्कारिक मंत्र। अब आप सुन लीजिएगा, ओम क्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस मंत्र का अनुष्ठान पुरुषचरण जो है वह अक्षर के हिसाब से उतने ही लाख का रहता है, वह आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कल के हिसाब से आप यह कार्य करिए और लाभान्वित हों और सुख शांति प्रदान करें माता जी गुरु महाराज। जय हो नीम करौली वाले बाबा की।